हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नथिंग फोन वन एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के डेटा का बैकअप कैसे ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, ठीक है। इसके बाद मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम का, इसे सेलेक्ट करना है। अब इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको बैकअप का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब इस वाले पेज में आपको सबसे पहले तो अपने जो जीमेल आईडी है ना, उस जीमेल आईडी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, अगर एक से ज्यादा जीमेल आईडी है तो, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे फोटो एंड वीडियो के सामने बॉक्स में राइट टिक लगाना है। इसके बाद आपको नीचे अदर डिवाइस के सामने बॉक्स में राइट टिक लगा लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको कंफर्म का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पर पेज के ऊपर एक लाइन चलने लगेगी। जब तक वो 100% कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपको वेट करना है, इसमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन का बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। और बैकअप लेने का फायदा क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपने जिस जीमेल आईडी से बैकअप लिया है ना, इस वाली आपने जिस जीमेल आईडी पर बैकअप लिया ना, उस जीमेल आईडी को अगर आप दूसरे मोबाइल फोन में लॉगिन करेंगे तो आपके मोबाइल फोन के अंदर सारा का सारा जो डेटा है ना, वो दूसरे मोबाइल फोन में भी दिखाई देगा, ठीक है। तो ये बैकअप लेने का ये फायदा हो जाता है।